यही पूछना चाह रहा था, ये क्यों खा रहे हो भाई? क्यों खा रहे हैं क्या? हम कैदी हैं, तूने कैदी उठाया लोर से सांबा लेके जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, भूख लगी है, रोटी खानी है भाई, इसलिए खा रहे हैं कि आपकी वजह से आप इस इम्तिहान में डले। आपकी वजह से, आपकी वजह से सब कुछ मेरी वजह से ही होता है। उबैद ने कहा था क्या आगे बहुत अच्छे अच्छे होटल हैं यार, जाने दे, मैं आपको कहता हूँ यहीं से खा लें। मेरा करते 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 चक्री ले आए हैं जी, है? चक्री ले आए गाड़ी तो हम चला रहे हैं, भेरा से कह रहे हैं खाना खाना है, चाहिए चिल्ली, चिल्ली सॉस दे दें इनको। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं यार? हम लोग इस टाइम मौजूद हैं, कहाँ मौजूद हैं, कहाँ जा रहे हैं, एक मिनट मैं अभी बताता हूँ, एक मिनट से। हाँ जी, ये आपकी मौजूदा में जगह है? कहाँ पे? दरवाजे में। ओ भाई बोतल, अच्छा बात सुन ले यार, काम की बात करनी है। कौन आ गया, कौन आ गया? वो दुकानदार का फोन आ गया। तो डर क्यों रहा है? नहीं मैं कह रहा हूँ फोन आ गया। अच्छा जल्दी बता हम कहाँ पे हैं। ये मैंने कलर का क्रॉस, यार ऊंची बोलेगा, कलर का हार क्रॉस किया है और आगे रेस्टोरेंट का नाम भूल गया यार, नाम याद करना बता, मैंने लोगों को नहीं बताया हम कहाँ पे और कहाँ जा रहे हैं। चक्री से अगला जो है ना, हम वहाँ पर, ओए चक्री से अगला तो है ही कोई नहीं, ये चक्री है, चक्री है हाँ। अच्छा और हम जा कर रहे हैं चक्री वाले रेस्टोरेंट पे, हम भजन जा रहे हैं, पहले सलाम और सलाम बस जाएंगे मानसरा, मानसरा से हम जाएंगे भजन आगे। यार मैं क्या करूं, मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद जाएंगे, सॉरी पहले मुजफ्फराबाद से ऊपर जाना है हमने। खान जी बोला किधर यार, मैं मतलब ये तो सीरियस कर रहे हैं, तो बकवास कर रहे हैं यार। खान ने कहाँ जाना है मुझे बता रहा, हमने कहाँ उतरना है भाई? हम लोग बता रहा, हम लोग हम लोग इस टाइम चक्री में, और हम लोगों ने ना मुजफ्फराबाद जाना है ना मानसरे जाना है, हमने एबटाबाद जाना है, और एबटाबाद से हमने जाना है ठनियानी। यार एबटाबाद नाम भूल गया ना, क्या हो गया? अब ठनियानी में जो ठनियानी में हमारा क्या सीन है वो भी बता दें। हाँ जी बता दे यार। हाँ जी पता ही नहीं है ना, धोखे में रखा हुआ है अभी वहाँ जाके। आप कहते हो एक तरफ कहते हो बकरे शकरे हैं, एक तरफ कहते हो बर्गर बर्गर बनाने हैं, कभी कुछ कहते हो कुछ है, कभी कुछ है, पता ही नहीं है भाई। सीन इस तरह है कि हमें वाकई नहीं पता कि वहाँ पर क्या सीन है, क्योंकि सारा प्लान है वहाब भाई का बनाया हुआ, और हम लोग हैं वहाँ पे मेहमान, हम मेहमान हैं, हम मस्ती करते जा रहे हैं। मेरे साथ कौन कौन है? मैं हूँ उमर है, दो लड़के और हैं, वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ कौन है मेरे साथ। जो जो बॉयज है ना, उनसे दरख्वास्त ये है कि अपना अपना तारुफ करवाएं भाई, बस जरा शक्ल दिखा दें, तारुफ बड़ा अच्छा है आप लोगों का। उबैद भाई, हुसैन भाई फ्रॉम टोबा टेक सिंह, टोबा टेक सिंह, इनको कौन नहीं जानता। पड़ गया कैमरा, पड़ गया, देखा उसने मुड़ के देखा वो आगे, लेकिन फ्लैश नहीं लगा तो बचत हो गई, लाइट ऑन है, कॉल कर देगा पीछे से, कॉल क्या कर देगा, हमने क्या किया ऐसा यार। वाकई वो तो चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता के, वो मेरे सलाम में जाके देखेंगे की बनती है ना, खड़ी करे सलाम में जाके देखेंगे जो बनता होगा यार। नजायज, मैं ऐसी गलत हरकतें नहीं करता। हाँ जी कैमरा ने फ्लैश मारा ही नहीं है, मैं हमें क्या पता ये मुफ्त में दिहाड़ी लगा रहा हूँ। ओके ओके यार, मैं कोई वैसे ज्यादा ओवर स्पीड भी नहीं था, 130 भी थी, इतना तो जायज है, 40 पे ज्यादा से। हम तो मेहमान, हम तो इनवाइटेड है, हम तो बाद में देखे, वहाब भाई सप्तैन और हमजा ये लोग तो जा चुके हैं, और कौन क्या साथ, मानी तारड़ अली चीमा, मानी तारड़ अली चीमा द ग्रेट पर्सनैलिटी, और हम वहाब भाई को मिलने जा रहे हैं, उमर भाई भी मिलने जा रहे हैं, वहाब भाई को मिलने जाएंगे। बट साहब जी, जी बॉस, मुझे पूरा प्रोफाइल चाहिए कि मैं मेहमान हूँ, मुझे खुद भी चाहिए ना। बट तेरा वो बचपन का यार है, तू मुझे ये फील दिलवाएगा, उससे लेकर देगा तू मुझे ये। ओ आपने टेंशन ही नहीं लेनी, इस चक्कर में उसने 18 लोगों को ये फील दे देनी, उसने बट को लिफ्ट नहीं करानी वहाँ पे। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि वहाँ वो आपने पूरा प्रोटोकॉल देना है आपको। यार आपने वो फिर उतार ली है यहाँ पे, तो यार आप सब बातें कैसे कर रहे हैं? यार मैं बंदा कभी थक भी जाता है यार, मैं पीछे कर तोड़ लो मगर नहीं हम आपसे बात करके बातें करना। अच्छा ये क्या, तुझे क्या लग रहा है तू कहाँ आया हुआ है? तू थोड़ी देर पहले कह रहा था शेव कराने आया हूं, देखो ना अभी पूरा होया था। भाई फिर हमें अगर मेहमानों वाला पूरा चाहिए ना, आगे रख रखाव भी हमें पूरा वेलकम हो, कोई आगे ऐसे आज की दावत वहाँ पे की तरफ से है, पता है वहाँ पे पूरा वेलकम होता है,
बेसमेंट ये दस्तर कौन लग के छोटा खाओ बड़ा खाओ चाय आ रही है बोतल आ रही है यहाँ भी ऐसा सिस्टम आप तो वहाँ के कीड़े मकोड़े भी नहीं छोड़ते वो भी खा जाते हो। यार उमर भाई और हुसैन भाई और मेरी हम सब ने जो आपस में चवले मारी है ना उनकी वजह से आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आई होगी हम लोग कहाँ जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद और हम लोग जा रहे हैं इस टाइम हमारा मुंह एबटाबाद की तरफ वहां से हम जाएंगे इंशाल्लाह ठंडियानी। ठंडियानी में वहाब भाई ने कोई बड़ा उन्होंने कहा है कि मैंने कोई बड़ा हैवी प्लान किया हुआ है ग्रैंड वेलकम करेंगे कुछ ऐसा वैसा आई डोंट नो कुछ क्या करते हैं वो अभी जाके पता चलेगा। सपने तो हमें उसने दिखाए हुए कोई एक महीने से बकरों के छतरों के खरगोशों के अब देखो जाके क्या मिलता है हमें ब्रायलर या ठंडिया गरम भाई जान एक किलोमीटर रह गए यहाँ से एबटाबाद और एबटाबाद उतरने के बाद हम लोग यहाँ से फिर निकल जाएंगे उधर ठंडियानी की तरफ। तो रात के बज गए 11 और पता नहीं कौन पागल रात के 11-12 बजे ठंडियानी जाता है हम क्योंकि वजह ये है कि 4 बजे के घर से निकले हुए हैं इनकी मस्तियां ही खत्म नहीं हो रही हैं। एक हो गया ये सारी टिटू पार्टियां इसकी हमने इसने टाइम दिया रात को 10:30 बजे का मैं 1 बजे का रेडी मैं भी 2 दफा नहा लिया मैंने इसके चक्कर में पसीना आ गया ये नहीं आया और ये डाल रहा 4:30 बजे मुझे घर से पिक किया मेरे कॉल में रिकॉर्डिंग है इसकी अभी बिल्कुल घर नहीं मिल रहा आपका यार मेरा कैसे दोस्त आपके मेरा टनवटा सही ठीक कह रहा है ऐसे ही हुआ है ठीक है ना मैं भी डॉक्टर से भी हुआ है उमर भाई 2 दफा मैं आपके घर के आगे से गुजरा मुझे घर नहीं मिल रहा था आपका मैं रात के टाइम यार हां ये कौन सी यारी गई दही लेने ऐसी ओ यार घर ही नहीं मिल रहा मेरा सारी जिंदगी तू वहां पर आता रहा यार तूने इतने चक्कर लगाए ओए तूने शिफ्ट नहीं किया खुदी पे ना खाली मैं को ना कोक आप शिफ्ट हो गया हूँ भाई जब इसी गली पे घर है मेरा मीन पे भाई ठीक है जब बंदा 10 मल्ले के घर से सीधा 2 कनाल के घर में चला जाए फिर ऐसे तो होता ही है चलो कोई बात नहीं 2 कनाल नहीं भाई 2 कनाल घर देखे अपने 6 कनाल का लॉन भी है 2 कनाल में खाली पार्किंग है गाड़ियों शाड़ियों के लिए ये वो ज्यादा हो रहा है आपने ज्यादा ही किया थोड़ा कहा किया आपने उमर भाई के मोबाइल में क्या लगा लो एबटाबाद लिखा तो है लेफ्ट ठंडियानी का रास्ता मैं बड़ी मुझे यहाँ नहीं नहीं मैं ले जाऊंगा यार ले जाऊंगा इंशाल्लाह कोई मसला क्या ना यार सही बताओ लोकेशन लगाओ ठंडियानी की यार आ रहा हूँ ठंडे अगर यहाँ से अगर यहाँ से अभी हुंजा जाना हो हुंजा में जाना हो नगर में जाना हो किसी भी उसके एरिया में गांव में जाना हो तो हम अन्य वहां जा सकते हैं यूटर्न ले स्टार्ट और एक ठंडियानी है वो हमें समझ ही नहीं आता यूटर्न ले स्टार्ट कोई से पूछ लो पिकअप वाले मरी नहीं समझ में आता यार पूछ लो उसके सब मरीज है यार क्या मैंने कहा तू जा ठंडियानी रे नथे के लिए तूने चुमिया देनी जाके मैं कह रहा हूं ओ भाई रास्ते में पड़ता है रास्ते में उसके सामने कह दिया बकवास बंद कर यार ये पेशेंट है मरीज है यार यार मैं प्यार से गाली गले चढ़ गया मुझे लग रहा है ये वहां से मैं एक घंटा कसम से यहां से लग यार था सही है यार यही है अब किधर को जाऊं गाड़ी वापस मोड़ लूं क्या करूं जाने दे अच्छा मैं उल्टा पकड़ा हुआ तू कह रहा मैं गलत जा रहे हैं ये तो गंदी रोड है यार मोबाइल हिलाने से क्या हो जाएगा मोबाइल हिलाने से लाइन इधर उधर चली जाएगी ओ यार हां मैं ऐसे इसको ज़ूम करके देख रहा थोड़ा जरा ये ज़ूम नहीं कर रहा था फोन टेढ़ा मेढ़ा कर रहा था ज़ूम करके देख रहा है और कह रहा बड़ा लंबा रास्ता है मुझे लगता है कि कभी कभी इंसान को मरी भी आना चाहिए ताकि रास्ते तो याद रहे अभी हम लोग जिस जगह से जिस रास्ते से ठंडियानी जा रहे हैं यहाँ से मैं पहले नहीं आया हुआ जो सीधा सीधा रास्ता शहर के अंदर से जो निकलता था ना वहीं से आया हुआ हूँ ये बाईपास कोई नया बना है आप में से बहुत से लोग शायद गए हो मैं पहली दफा आ रहा हूँ और जो नहीं गए उनको मैं थोड़ा बता दूंगा पहुंच के बताऊंगा यहाँ से आना है यहाँ से नहीं आना हूँ भाई अभी तक आपके क्या तासुरात है यहाँ से आना चाहिए कि रहने दें सड़क तो सुनसान की तो खैर है इधर क्या होना है लेकिन अच्छा साफ रोड है यार पहुंच के बताते हैं मेरा ख्याल है बेहतर हो जाएगा अभी तक का रोड तो सही जा रहा है अभी तो शुरू हुआ है 1 किलोमीटर भी नहीं चले हाँ तो ठीक है ना हाँ ये रोड पक्का ही है ना बहुत बड़ा बेस्ट रोड है यहाँ आने के लिए ठंडियानी आने के लिए या इवन मरी जाने के लिए भी मतलब एबटाबाद से उतरे तो लेफ्ट होने की बजाय राइट हो जाए राइट हो गए ऐसे ही कोई 3-4 किलोमीटर के बाद लेफ्ट बाईपास है और सीधा आके मरी रोड पे जबरदस्त रोड था ना
यार तेरा पीछे हेडरेस्ट कहाँ चला जाता है बार बार, बट को पता नहीं क्या मसला है, वो पीछे रख देता है। ऑनलाइन किया हुआ है ना उसने तुझे, बट तो उसने अपना भी उतारा हुआ है, देखो जरा फोबिया कोई हेडरेस्ट का भाई फोबिया। ये क्या कर रहा तू, मैं आपका पूछ रहा हूँ, मैं आप दिखा दे, मैं आप खुद ही घूम ही जा रहा हूँ जो रीसेंटर मानता है वो, रीसेंटर मानता ये देख रहा, वो टर्न पे आता है रीसेंटर करो इसको, ये उम्र बहुत लंबा नहीं हो गया यार भाई, वो रोड टूटी है। अब कितना रह गया है, 6.9 मिनट और हमने 3 पे जाके ब्रेक मार दी है। 3 पे क्या मतलब यार, वो आपने कहा नहीं है कि 3 किलोमीटर से पहले रुक जाना, उससे आगे हम लोग जंगल जंगल में जाना है। खंडियानी हम लोग पहुंच गए और हम जिस पॉइंट पे हैं, इन्होंने आगे कहीं कैंपिंग शैंपिंग की हुई है और उस पॉइंट पे जाने के लिए ना हमें, अच्छा हमजा ने ना यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है, इस टाइम रात का टाइम है, मैं कोशिश करता हूँ कि नज़र आ जाए, पहले बात सुन लें। बात यह कि आगे ट्रैक बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम बेचारी करोला गाड़ी पे हैं, उमर भाई ने कहीं हमजा भाई को चैलेंज कर दिया है कि मैं आऊँगा तो करोला पे ही आऊँगा और खुद चला के आऊँगा, ऐसा ही हुआ है। बल्कि उमर भाई ने उससे सिर्फ इतना पूछा है कि यार हम आगे क्यों ना आए, यहाँ क्यों रुक जाए, उसने कहा बदतमीजी से जवाब दिया, उसने कहा आ सकते हो तो आ जाओ चला के। अब उमर भाई कह रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए, ये गाड़ी बम्पर रह टूट जाए, शील्डें उतर जाए, कोई मसला नहीं है, ये गाड़ी वहां जाएगी, ऐसा ही है। और हमदा भाई की ट्यूशन को चपेटे पड़ेंगी, हमदा भाई ने ट्यूशन में भी आपको दिखाता हूँ कहाँ खड़ी की हुई है यार, ये देखें ये हमदा की ट्यूशन खड़ी है, लेकिन और जीप वाले भाई भी आई थिंक सो के आ ही गए, वो पीछे लाइट नजर आ रही है, आ रही है। ओ, नहीं, वो कोई और लाइट है। उमर भाई आ गए हमें लेने के लिए, ये जो कैंपर वाले उमर भाई है, नजर तो नहीं आ रहे होंगे, लेकिन भाई जान बात ऐसे है कि मेरे यार की इज्जत का सवाल है, मेरा चाहे बम्पर उतर जाए, मेरी चाहे शील्डें तबाह हो जाए, चक्कर ही कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं, साथ जाके चार चार शील्डें डलवा लेंगे, विरका का मुंह ठप देना है जैसी। तेरा के मेहमान जिन्हें मैं रिसीव करा उन्होंने मना की गाड़ी बचाओ अपनी, ये कहना व्लॉग में, हाँ ये कहना कि तो हम तो जा रहे थे रिकॉर्ड हो गई यार, तू क्या यार, अच्छा यार एक बात है कि इसमें फिल्म भी कोई नहीं है, बात तो भी ऐसे ही है कि अब उमर भाई आए हैं, उन्होंने कहा भाई जान किसी सूरत नहीं लेके जानी, किसी सूरत नहीं लेके जानी, अब क्या करें यार, अब ठीक है हम नहीं लेके जाते, अब जिद तो नहीं ना करनी, इसकी जगह वहाब भाई होते, हमजा भाई होते, हम उनको डंडे सोटे मार के उनको मना लेते, अब उनको क्या कहूँ, कोई बात नहीं यार इसी पे चलते हैं, उसी पे चलते हैं क्रूजर पे। अच्छा वो पिकअप भी उनकी थी कहाँ जी, उस तो आगे से बिस्ती प्रोग्राम हो गया तेरे होते हुए, उन्होंने कहा बिस्ती प्रोग्राम। अच्छा यार अभी हम लोग तो बैठ गए उमर भाई के साथ, आगे इन्होंने हमें नहीं जाने दिया करोला लेके, कहते हैं भाई किसी बम्पर यार, उमर भाई ने कहा है, उमर भाई का पार्ट्स की दुकान है, उमर ने कहा है कि बम्पर मेरे, मेरी ब्रैकेट मेरे, क्लिप मेरे, और भाई चिमटा बुश मेरे, माउंटिंग मेरे, यार होर की लेना है मैकेनिक भी दे दिया। ये ले भाई, इतनी बड़ी ऑफर आ गई है, बस फिर सुबह करते हैं, यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तक, यहाँ से आगे भी थोड़ा सा कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तक आ जानी थी गाड़ी, हाँ मसला यहाँ से नीचे स्टार्ट होगा, यहाँ से नीचे, हाँ फिर वापसी पे चढ़ जाएगी, ये देखिए नहीं, उसका वो चढ़ाई है ना, फ्रंट व्हील है, नहीं उमर भाई ने, एक मिनट अभी आपने क्या कहा है, भूत बंगला जहाँ हम जा रहे हैं इसको भूत बंगला कहते थे, ये इस साल के शायद लास्ट ईयर ऑपरेशनल हुआ है, पहले ये सारी जिंदगी से ये बंद था यहाँ कोई नहीं आता जाता था, गार्ड होता था जंगल का गार्ड होता था, ठीक है, वो कौन सी मूवी थी यार, वो अजय देवगन की, वो जिसमें वो डंडा पकड़ के वो काल मूवी थी ना, काल है अच्छा आप कह रहे हैं कि ये पहले बंद था, अभी ओपन किया सीजन में, लोग आते थे पर रहने के लिए नहीं थे, अच्छा रात नहीं रहते थे, रात शायद लास्ट ईयर हुआ, उससे पहले तो नहीं थे,
All right. लेकिन यार उमर भाई बात ये कि मेरे पास अपना भूत है, मैंने अपना भूत रखा हुआ है जाती। अब मसला ये दो दो उमर है आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आप उमर भाई हैं, वो उमर साहब है। साहब है। खूबसूरत। छोड़ो नशा। हाँ ये नशा करो। हमारे साथ आओ। देखो जंगल कितना ब्यूटीफुल है। अच्छा तो उमर भाई सुबह फिर छुरी वहाँ पे ही नहीं फिर रही है? जो मर्जी है फिर। नहीं वैसे वहाँ पे कह रहे हैं जी उन्होंने फिर बकरा रात को बच गया तो क्योंकि बाहर है। अच्छा वहाँ पे लेपर्ड वगैरह भी बच गया तो। अच्छा बच गया तो लेकिन बेचारा ठंड से बच जाए। अभी अब देखिए ना वो जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है ना वही हवा में जितना ट्रैक हम चल के आ रहे हैं कोई भी नहीं है यहाँ, सुनसान है सर। तो अगर हमारा उमर साहब बच जाए अल्लाह करे लेपर्ड से, अगर लेपर्ड जो है हमारे बकरे को पड़े हम आगे ये बंदा कर दे फिर भी नहीं चल जाएगा ना सिस्टम। बकरे को तो गोश्त चाहिए ना, उसे क्या लगे कौन सा। मिल चीता को तो गोश्त चाहिए। सही उतर के दरवाजा बंद कर दे उमर भाई जाना यार। मैं सेंटर उड़ के जाऊं असल में फेंस है ना सारे ना इस दो लाइट दे भाई। उमर भाई ने हमें नेम ध्यान में डाल दिए कह रहे हैं उतर के वो दरवाजा बंद करके आओ यार ऊपर से भूत बंगला सुनाए जा रहे। ये सर उतर ना यार। मैं नहीं उतर रहा यार। तू दरवाजा तो फिर बंद कर दे। अच्छा यार लाइट दे यार। ओए ओए जबरदस्त 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 बैठ भाई साथ आ ही जाओ मैं तो कहता हूँ। बिस्मिल्ला 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 कोई बात नहीं कोई गल नहीं भाई बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला। तू वो क्या वहां से गाड़ी के पास खड़ा भी लो बॉस बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला। ये वो कह रहे हैं कि इसलिए बंद कर दो क्योंकि लेपर्ड शेपर्ड ना अंदर आ जाए और ऊपर से हमें उतार के कह रहे ये कैसे बंद होना है। और यार उनको बोलो कुंडी शुंडी भी लगानी है कोई पूछो तो सही लगा दे। ये पकड़ यार लाइट पकड़। ओ यार बाहर की तरफ से कुंडी लगनी है स्नैन तू ये पकड़ ले यार। ये देखें भाई स्नैन लाइट मार तू पागल है जानवर आदमी तू पागल तो नहीं है जैसे कुंडी इसको कुंडी लगा ये ले लग गई है। चलो चलो बाय बाय। चल चल जल्दी बैठ उल्लू के पट्टे जल्दी बैठ। ओए स्नैन क्या ईल वो क्या होता है यार क्या चल रहा है यार ये ईल क्या हम पहुंच गए भाई। ये क्या है हमने यहाँ रहने यहाँ रहने यहाँ रहने बॉस यार उमर भाई यहाँ रह रहे हैं पहले आप आप रहे हैं कभी अंदर से क्या सीन है अभी सेटलमेंट किया हुआ है ये पहली दफा है। मैं भी पहली दफा आया हूँ। हाँ मैं भी पहली दफा आया हूँ। ये तो शक्ल से भूत बंगला सही कह रहे हो सही कह रहे हो आप। अभी आपके 360 व्यू भी देता हूँ ना आपको इसका। यार अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं ये जो ठंडियानी में ऊपर टॉप पे जिसको ये भूत बंगला नाम रखा हुआ है मैं क्या अच्छा जो भी है यार फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। अच्छा अभी क्या है कि कह रहे हैं आपको यहाँ से व्यू देते हैं। व्यू क्या देते हैं यार ये व्यू है देने वाला ना तो ये कोई टाइम है इस हरकतों का ना कोई मौसम है ना कोई दस्तूर है। अच्छा अब ठीक है यार अब बेहतर है ये वहाँ से आता है ये पैदल है ये फिर रोड है इससे भी क्रूजर आ सकता था हम। अच्छा हम ये जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की है नहीं ये वहाँ से आ रहा है ये तो सिंगल पैदल रास्ता है ना जहाँ पे आपने गाड़ी खड़ी की है वहाँ से ना वहाँ से पैदल आ अच्छा अच्छा आगे जाकर वहाँ से ये पैदल आ रहा है ओके। अंग्रेज 80s में यहाँ पे बैठ के क्या सोचता होगा रात। सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम बड़ी जल्दी निजाम है भाई निजाम है। क्या
उसने क्या पतंगा कीड़ा नहीं था पूरा। दो बंदे हो रहे जो ये जगह को मैनेज कर रहे हैं, उसके अलावा दो दो किलोमीटर। चलो वो तो आज रात नहीं सो सकते। हम अपना गीदड़ साथ लाए। चिमे आप ही तरह दिख रहा है। फिर बाप भाई मैं आपसे कुछ पूछ रहा था यार, ये क्या हो रहा है? ये क्या है? What is this baby? अच्छा मैं बताऊं, मुझे लगता है आपने चूल्हा सही जगह लगाया, इन्होंने स्टिकर गलत जगह लगा दी है। कितने के बंदे खा लेंगे? ये तो एक खुराक है, इधर तो भी खुराक है, काफी ज्यादा गुजार रही है। तीन तीन छह तीन और एक दस ग्यारह बारह खाने आपने। हम नहीं चावल चुवल खाते होते हैं ना ही भाई, हम इसको ही खाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि हम मेहमान है, हमें आते साथ ही सबसे पहले खाना मिल गया। वैद भाई ने आते साथ ही हमला कर दिया। आते ही दो मिनट लगे, दो मिनट बाद हमें खाना मिल गया। चार घंटे बाद आए ये बेचारे, सुबह से खप रहे हैं। वो एक खुराक है और इतना सा बकरा कौन कौन खाएगा? यार दो और आ जाएंगे, मैं आपको तूने तो नहीं ना खाना, तूने खाना ही नहीं है यार। खान तू क्या चबले मार रहा है? तीन चार दिन हो गए जब रुटेगा। बर्गर तो बाबा ही ने बना ही दी, मजा करा दिया, चस करा दिया। यार उमर भाई काम जो है ना वो हो गया सीरियस, क्योंकि उमर भाई ने जो बड़ा हैवी हमजा भाई के साथ चैलेंज कर दी है, और वो कह रहे हैं कि हर हाल में करोला आज ऊपर आएगी, तो करोला ऊपर आएगी। उमर भाई ने ये चैलेंज किया, करोला आज ही ऊपर आएगी और अभी लेकर आएगी। मैं अपने दोस्त की अपने यार की बात कंड नहीं लगने दूंगा। दोस्त दोस्त जो तू कंड लगाएगा, दोस्त भावे जदी कंड करा दे। उमर चलो बैठो गाड़ियों में, चलो हमारा मर्द मुजाहिद तो देख ले। दोनों गाड़ियां जाएंगी भाई, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, सब जाएगा। ताकि अगर ये भी बांधनी पड़े तो उससे बांध ले, वो बांधनी पड़े तो इससे बांध ले। उमर भाई, उमर भाई आपकी खातिर जा रहा हूँ। नहीं सर मेरी खातिर, मेरी खातिर नहीं। ओए दोनों दुश्मन एक ही फ्रेम में आ गए, दोनों चैलेंजर आ गए एक ही फ्रेम में। उस्ताद मेरी बात सुन। हेलो क्या है ना आवाज ही निकल रही। करोला का भी आज पता लग जाएगा, यारी का भी आज पता लग। यारी का क्या पता लगता है यार? यार देखो यारी का तो पता लग गया ना, हम तो अपने यार के पीछे चल पड़े हैं, और हमारे यार ने हमें जुबान कर दी है। अब बाकी फिर करोला का ही पता लगना। यार उमर भाई अब आगे चल पड़े हैं ना यार, इस तरह देखे ना फिर अब डरा रहे हैं। बात गाड़ी वहाँ सिर्फ पहुँचाने की है, वापसी की नहीं है। हाँ नहीं ये डील है भाई, ये डील हुई है ना हमारी। बात सुनो गाड़ी करीब लाओ, गाड़ी साल लगाओगे। वो फ्लैश ऑन कर, फ्लैश यार आप लोगों ने अब देखती है क्या? वाइल्ड बोर वाइल्ड बोर देखा था आपने? हमने देख, मैंने उमर भी देखा वाइल्ड। अच्छा वो क्या होता है? उनका फ्लैश चल परे हो यार। यार अली एक मेरी बात सुन, कह रहा रहने दो यार। यार मैं कह रहा हूँ उमर भाई, आपने तो मेरे साथ बैठना था। चले कराने दे आते हैं। मिशन क्या है? मिशन यही माल जाएगी।
और ये भी कोशिश किया कि हम गाड़ी नीचे ना लगने दें। और अगर रास्ते में तो बम्पर उतर के गिरा तो लैपट के एरिया में ही उमर भाई बम्पर पकड़ के खुद लेके जाए, ठीक है? डील यार, तू टेंशन ना ले भाई, अब यहीं रुक जा। यार बॉस मेरे कहने से पीछे हट जो सवेरे कर ला, जो होना है अभी होना है यार। यार तुमने मेरे ब्रेक क्यों लगवाई है मेरी? चलो आप इधर से निकल गए, बड़ी बात है यार। बस आगे करें, आगे करें, बिल्कुल सीधी आगे जाने दे, सीधी करें गाड़ी। यार तुम लोगों ने मेरी ब्रेक क्यों लगवाई है? बचने लगी थी, ब्रेक का लगाई है आगे, किसी मन मान नहीं थी उसने। नहीं तुम लोगों ने मेरी हल्की 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 चल टोचन निकाले ली मैं, काम इधर ही हो गया पूरा भाई। इतना बड़ा बदनी है गाड़ी भाई, वो आगे सीधा गाड़ी में बचता है यार। हम गाड़ियों में बैठे यार, ये जिसने हॉर्न किया यार, ये क्या है यार? इतनी क्या क्या नहीं उतर रहे किसी सूरत भी नहीं जाना है। ये देखो यहाँ नहीं चढ़ रही, वहाँ कैसे, वहाँ उतरोगे कैसे फिर? जहाँ मोड़ हो जाते यार से पहले। बात भाई नहीं ठीक है, हम खसी हैं, चलो जाओ। गाड़ी को दिखे बड़े लगने आते भी आते भी आते भी आते भी आते भी। ज्यादती की आपके साथ इन्होंने यार, तूने मेरे से कौन सा बदला लिया? हाँ जी रेस में लपेटना यार, गाड़ी फंस गई थी फिर आपने तब लिपटते, तब सिस्टम था यार पूरा। और भी हुआ क्या? हुआ हुआ कुछ नहीं है, वहाँ पर बड़ा पक्का मुंह रंग है मुझे, क्या यार आप ही समझाओ, यार आप ही समझाओ। कोई चक्कर ही नहीं था, कोई मैं सारा देख के आया हूँ, चक्कर ही कोई नहीं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा था।